के नापाक मंसूबे सामने आ चुके हैं। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दे दी है। बताया ये जा रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपनी सेना को परमाणु हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है और ये धमकी अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल को रोकने के लिए दी गई है। इस साल की एक्सरसाइज में करीब 3.25 लाख सैनिक शामिल हो रहे हैं और यही कोरियन प्रायद्वीप में टेंशन की वजह भी बन गया है। हालांकि साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बाज आने को कहा है, यानी कि उसने भी अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि बाज आ जाए अपनी हरकत से उत्तर कोरिया। हाल ही में न्यूक्लियर टेस्ट और लॉन्ग रेंज की मिसाइल के परीक्षण के बाद यूनाइटेड नेशंस ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसका कोई भी असर नजर नहीं आ रहा। और अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। किम जोंग के जो एक इरादे हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाज आने को कह दिया गया है किम जोंग को, लेकिन जो हरकतें हैं वो तो नहीं लगता कि बाज आने को तैयार है किम जोंग। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ जो धमकी दी है उसके बाद जिस तरह से उसको कहा गया है कि बाज आ जाओ, उसके बाद भी शायद किसी तरीके का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि क्या एक नई साजिश में है नॉर्थ कोरिया। तो किम जोंग की अगर हम बात करें तो उनको दुनिया के सबसे सिर फिरे शासकों में माना जाता है। अपने क्रूर फैसलों और जिद्दी आदतों के लिए बदनाम किम ने जनवरी के पहले हफ्ते में हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का दावा करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। तमाम बैन और चेतावनियों के बावजूद किम जोंग उन इंसानियत को दरकिनार कर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेलना चाहता है। जनवरी 2016 पूरी दुनिया के सिर से नए साल के जश्न का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि कई देशों में लोगों के पांव तले जमीन खिसकने लगी, धरती हिल रही थी। लेकिन ये कोई खुमार नहीं था बल्कि भूकंप के झटके थे। इस भूकंप को एक तानाशाह की सनक की फैक्ट्री में पैदा किया गया था। जी हाँ, ये मैन मेड यानी मानव निर्मित भूकंप था। दुनिया के सबसे रहस्यमय, सबसे जिद्दी और सबसे उग्र देशों में शुमार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने वो कर दिखाया जिसका डर पूरी दुनिया को कई दिनों से सता रहा था। नॉर्थ कोरिया ने पहले हाइड्रोजन बम के परीक्षण को अंजाम दिया और बकायदा दुनिया के सामने इसका ऐलान भी किया। हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक छोटा सा हाइड्रोजन बम भी एक साथ कई शहरों को तबाह करने की ताकत रखता है। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम विस्फोट से दुनिया के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को झटके लगने लगे। नतीजतन फौरन ही अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान नॉर्थ कोरिया से सटे साउथ कोरिया की तरफ रवाना कर दिए। सवाल ये है कि क्यों नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए खतरा बन गया है, क्यों नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में अलग थलग है, कौन से देश नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लौटना होगा। बात 1990 की, जब जापान ने अविभाजित कोरिया पर कब्जा कर लिया था। जापानी कोरियाई लोगों को ये यकीन दिलाते रहे कि वो उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की सभ्यता के लोग हैं। 1945 में जब अमेरिका विश्व युद्ध में हार गया तो नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में चला गया और साउथ कोरिया पर अमेरिका हावी हो गया। नॉर्थ कोरिया में सोवियत संघ के इशारे पर ही सरकार चल रही थी, लेकिन 1991 में अचानक हालात बदल गए। इसी साल सोवियत संघ टूट गया। सोवियत यूनियन से नॉर्थ कोरिया को मिलने वाली मदद बंद हो गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल ने मिलिट्री फर्स्ट की नीति अपनाई, कोरियाई लोगों को यकीन दिलाया कि अमेरिका जैसी ताकतों से रक्षा के लिए सेना को मजबूत किया जाना जरूरी है। उत्तर कोरियाई लोगों को यह भी यकीन लगातार दिलाया जाता है कि वो मानव सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ हैं और बाहर की गंदगी से बचने के लिए अलग थलग रहना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की दुनिया के संपर्क में नहीं आने दिया जाता। नॉर्थ कोरिया की सीमा चीन से लगती है,
इसलिए चीन के रास्ते खाने पीने का सामान जरूर नॉर्थ कोरियाई लोगों तक पहुंच जाता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और दूसरे खतरनाक हथियारों की सनक ने नॉर्थ कोरिया पर इतने प्रतिबंध लाद दिए हैं कि वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन तानाशाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद नॉर्थ कोरिया पर और भी आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार चल रहा है, लेकिन अमेरिका मानता है कि नॉर्थ कोरिया लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानता, लिहाजा अमेरिका ने भी साउथ कोरिया की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद अमेरिकी B-52 बॉम्बर और F-16 के साथ दक्षिण कोरियाई F-15 विमानों ने नॉर्थ कोरिया की सीमा के पास उड़ान भरी। B-52 विमान परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ओसान एयरबेस के ऊपर से गुजरते हुए ये साफ संदेश तानाशाह किम जोंग तक पहुंचा दिया गया कि ये तो सिर्फ आगाज है और अंजाम के लिए तैयार रहे। यूं तो नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनके संघ की रवैये से निपटने के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया लगातार तैयारी करते रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को ताकतवर मिलिट्री एक्सरसाइज और बम गोलों की आवाज से अमेरिका और साउथ कोरिया पहले भी डराते रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का दिमाग अब भी ठिकाने नहीं लगा है। कभी हाइड्रोजन बम से भूकंप लाकर तो कभी पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर वो पूरी दुनिया को चेता रहा है कि उसकी आंखों में सिर्फ तबाही नाचती है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान में तालीम की उन मस्जिदों की जिनके नीचे आतंक का काला सच दबा है, जिनके नीचे वो तहखाने हैं जहां फिदाइन बॉम्बर्स तैयार किए जाते हैं और आतंकवाद की तालीम दी जाती है। वो तालीम जो किसी ना किसी पाकिस्तानी स्कूल या कॉलेज में हर साल 6 महीने या साल भर बाद दिख भी जाती है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मदरसों के पीछे का छुपा ये सच। आंखों के सामने सबक पढ़ा जाता है, पीठ पीछे आतंकी बनाए जाते हैं। तहखानों में छिपा है पाक का सच। तालीम की आड़ में टेरर की सी। पाकिस्तान में आखिर बंदूकों का खेल क्यों बंद नहीं हो रहा? क्यों यहां के स्कूलों पर आतंकी हमले होते हैं? तो इसका जवाब पाकिस्तान के पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने दिया। सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चल रहा है और ये नेटवर्क खास तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर और कबीलाई इलाकों में मौजूद मदरसों में चल रहा है। हालांकि सरताज अजीज ने इस टेरर एक्टिविटी का ठीकरा अफगानिस्तान के शरणार्थियों के सिर फोड़ा है। उनके मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से जब बेदखल कर दिया, तब ये शरणार्थी पाकिस्तान में घुस आए। सरताज अजीज के मुताबिक ये शरणार्थी ही इस तरह के मदरसे और उनमें टेरर एक्टिविटी चला रहे हैं। अजीज के मुताबिक इन मदरसों में कल्पना से परे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ बम बनाने की फैक्ट्रीज और टेरर ट्रेनिंग सेंटर से लेकर सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जा रहा है और ये सब कुछ मस्जिद के नीचे मल्टी स्टोरी बेसमेंट में अंजाम दिया जा रहा है। अजीज ने बताया कि मिरन शाह में मौजूद एक मस्जिद के दौरे पर उन्होंने ऐसा 70 कमरों का तहखाना देखा था जहां 4 से 5 इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस फैक्ट्री, 4-5 सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग सेंटर, VIP रूम, कम्युनिकेशन सिस्टम और कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद थे। सरताज अजीज ने US पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करते हुए ये बात कही। वो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की डिटेल देते हुए ये बात कह रहे थे। आपको बता दें कि नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं। पाकिस्तान में होने वाले ज्यादातर हमलों में शामिल आतंकवादियों की ट्रेनिंग इसी इलाके में होती है। नॉर्थ वजीरिस्तान में ऐसी 340 मस्जिदें हैं जहां इस तरह की गतिविधियां चलती हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में आतंकियों के सफाई के लिए पाक आर्मी लगातार अभियान चलाती रहती है। जून 2014 से इस इलाके में जरबे अजब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में पूरे देश के 254 अनरजिस्टर्ड और धार्मिक उग्रवाद में शामिल मदरसे बंद कराए थे। इसके तहत सिंध में 167, खैबर पख्तूनख्वा में 13, पंजाब में 2 संदिग्ध मदरसे बंद कराए गए। इसके अलावा सिंध के 72 अनरजिस्टर्ड मदरसे भी सील किए गए थे। सरताज अजीज ने अब भले ही ये बात कही हो, लेकिन ये सच तो सबको पता है कि अफगानिस्तान से रिफ्यूजी पाक में ना भी आए तो भी पाकिस्तान में रोटी से पहले बंदूकें बनाने का चलन पहले से ही है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।
चूंकि बात पाकिस्तान के मदरसों की चल रही है तो आपको एक बात और भी बताते हैं। परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति रहते हुए मदरसों की हालत सुधारने की कोशिश की थी। मुशर्रफ चाहते थे कि मदरसों को मॉडर्न बनाया जाए क्योंकि आरोप ये लगते थे कि मदरसों में तालीम नहीं बल्कि आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। यही वजह रही कि 2007 में मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में सैन्य ऑपरेशन का आदेश दिया था। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ वहां की सरकार कड़ी कार्रवाई करने की बात तो करती है, लेकिन नवाज शरीफ ने अभी तक देश के अंदर चल रहे आतंकी कैंपों के खिलाफ किसी ठोस ऑपरेशन की शुरुआत नहीं की, या कहें कि कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं जैसा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने साल 2007 में उठाया था। सत्ता में रहते हुए परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में सैन्य ऑपरेशन का फैसला लिया था। मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि उनका मानना था कि मस्जिद के अंदर कट्टरपंथी गतिविधियां जारी हैं, जो देश के लिए खतरा हैं। मुशर्रफ के आदेश पर जब सेना लाल मस्जिद में दाखिल हुई तो करीब दो दिन चले ऑपरेशन में मस्जिद के प्रबंधक अब्दुल रशीद गाजी समेत 50 लोग मारे गए। और फिर मुशर्रफ ने देश के नाम संदेश में कहा कि उनका यह फैसला पाकिस्तान के हित में लिया गया फैसला था। आज का दिन मेरे भाइयों और बहनों, कामयाबी के बावजूद खुशियां बनाने का दिन नहीं है, ये गम और रंज का दिन है, ये इंट्रोस्पेक्शन का दिन है, सोचने का दिन, यानी गिरेबान में मुंह डालकर सोचने का दिन है। गम और रंज क्योंकि हम किसी दुश्मन पे हावी नहीं हुए, हमने किसी दुश्मन के इलाके पे कब्जा नहीं किया, बल्कि हमने अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन किया, अपने ही लोग मारे गए जो बदकिस्मती से दीन की सही राह से भटक के दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के शिकार बने हुए थे। लाल मस्जिद में ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद मुशर्रफ जहां आतंकियों के निशाने पर आ गए, वहीं उनके खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लाल मस्जिद पर हमले को लेकर आज भी मुशर्रफ की जान के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल मुशर्रफ सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों के हालात सुधारना चाहते थे। वो चाहते थे कि मदरसों में बच्चों को जो तालीम दी जाए उससे उनका बेहतर भविष्य बने, ना कि उन्हें दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जाए। मुशर्रफ ने हमेशा मदरसों को मॉडर्न बनाने की पहल की, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने मुशर्रफ की सोच का विरोध किया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में कई जगह बेहतर शिक्षा देने के बजाय आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। नवाज शरीफ की पार्टी को 2013 के आम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन पाकिस्तान की जनता का साथ मिलने के बावजूद शरीफ ने अब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान के अंदर आज भी कई मदरसे चल रहे हैं जहां पर बच्चों को कट्टरपंथी विचारों से जोड़ा जा रहा है, जिसे 21वीं सदी में बदलने की जरूरत है। और ये कदम उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और पाकिस्तान को उसका गढ़ माना जाता है। तो जहां एक ओर भारत के मदरसे ऐसे फतवे जारी करते हैं जो इस्लाम की छवि को दुनिया भर में बेहतर करने वाले हैं, वहीं पाकिस्तान में मदरसों की कट्टरपंथी शिक्षा और आतंकवाद के अड्डे बनने के बाद मदरसों की छवि पूरी दुनिया में खराब होती रही थी। भारत अपने मदरसों को आतंकवाद से दूर करना चाहता है क्योंकि मदरसे आज भी इस्लामिक पढ़ाई का एक स्तंभ है, और ऐसे में ऐसे वक्त के साथ उनके बदलने से मुस्लिम समुदाय और देश का भला ही होगा। लेकिन पाकिस्तान आज भी मदरसों के अंदर का माहौल बदलने में नाकामयाब है। इक्कीसवीं सदी में दुनिया तमाम भाषाएं सीख रही, डिजिटल एज में जा रही है,
लेकिन इसी धरती पर इस्लामिक पढ़ाई का पारंपरिक तरीका भी साथ साथ चल रहा है। मदरसा यानी वो जगह जहाँ पढ़ाई होती है, बच्चे सीख लेते हैं। 10वीं सदी तक इस्लाम में पढ़ाई के लिए मकतब यानी मस्जिदों में होने वाली प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, जिसके बाद की पढ़ाई प्राइवेट ट्यूशंस के जरिए होती थी। लेकिन 11वीं सदी तक पारसी इस्लामिक दार्शनिक एविसेना के प्रयासों से हायर एजुकेशन के लिए मदरसों का चलन बढ़ा, जो बाद में मेडिकल, लॉ और अलग अलग जॉनर की पढ़ाई कराते हैं। लेकिन खासतौर पर इन मदरसों में इस्लामिक दर्शन, कुरान, हदीस और इस्लाम की धार्मिक शिक्षा से जुड़े सिलेबस ही रखे जाते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भारत है, और यहाँ के मुस्लिम समाज में मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने की रवायत चलती आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1985 तक भारत में कुल 1,25,000 मदरसे थे। इस वक्त इनकी संख्या तकरीबन 2.5 लाख है। यूपी से सटे 550 किलोमीटर लंबे नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त हजारों मदरसे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार से मान्यता प्राप्त कुल 5,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 466 मदरसों को सरकारी अनुदान भी मिल रहा है। भारत के प्रतिष्ठित मदरसों में देवबंद है, जो 1866 में कायम हुआ था। लखनऊ का नदवा मदरसा 1894 में कायम किया गया था। ये दोनों ही मदरसे सरकार से कोई मदद नहीं लेते हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 12,000 से 40,000 तक मदरसे चलाए जा रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर मदरसे देवबंदी विचारधारा से प्रभावित हैं, जबकि कुल 4 से 10% मदरसे ही अल्पसंख्यक शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2009 तक पाकिस्तान में 12,000 रजिस्टर्ड मदरसे मौजूद थे। इन मदरसों के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये कि इनकी शिक्षा पद्धति और सिलेबस वक्त के साथ बदला नहीं जा रहा है। चाहे भारत हो या पाकिस्तान, वक्त के साथ मदरसों के मॉडर्नाइजेशन और उनके सिलेबस में बदलाव को लेकर बड़ी बहस हुई। हालांकि भारत में इस बहस का कुछ सकारात्मक असर हुआ और यहाँ के कुछ मदरसों में विज्ञान, सोशल साइंस और लैंग्वेज जैसे विषय जोड़े गए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी मदरसे धार्मिक कट्टरपंथ का अड्डा बने हुए हैं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और चलिए बात करते हैं यमन में फंसे उन भारतीयों की, जो यमन में क्राइसिस के चलते वहां पर फंस गए। इन भारतीयों की जान मुश्किल में है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि ऑपरेशन राहत के बाद यमन में भारतीय एम्बेसी को बंद कर दिया गया, लेकिन किडनैप किए गए भारतीयों की तलाश अभी भी जारी है। यमन की राजधानी आदन से फादर टॉम लापता बताए जा रहे हैं, तो बेंगलुरु के रहने वाले फादर टॉम को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय अभी तक उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं लगा पाया है। यमन में शुक्रवार को एक ओल्ड एज होम पर भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 भारतीयों समेत 16 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन आईएस या अलकायदा का हाथ माना जा रहा है। यमन के अदन शहर में 4 भारतीय महिलाओं की मौत के बाद सुषमा स्वराज ने खतरे वाले इलाके में रहने वाले सभी भारतीयों से अपील की कि वो अपने घर लौट आए। तो इस बीच फादर टॉम के बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है कि कहां है वो, सुरक्षित हैं भी या नहीं। तो उधर टर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक अखबार के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और प्लास्टिक की गोलियां भी दागी। दरअसल टर्की सरकार ने इस अखबार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसकी खबर मिलते ही अखबार मुख्यालय के बाहर समर्थक जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। दरअसल शुक्रवार को एक अदालत ने इस अखबार को पुलिस के अधीन करने का फैसला किया था और इसके कुछ ही घंटे के बाद दफ्तर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। ये अखबार अमेरिका में बसे धर्मगुरु फतेउल्लाह गुलन के हिजमत आंदोलन का समर्थन करता रहा है, जिसे टर्की सरकार चरमपंथी गुट मानती है। प्रेस की आज़ादी के लिहाज से बनी 180 देशों की सूची में टर्की 189वें स्थान पर है। हिजमत आंदोलन से संबंध के आरोप में पिछले साल 2 समाचार पत्रों और 2 टेलीविजन चैनल्स को प्रशासन के अधीन कर दिया गया था। और अब बात करते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जहां पर अलनीनो की वजह से हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहां कई इलाके
बुरी तरह से, सिर्फ और सिर्फ अगर वहां कुछ नजर आता है तो पानी ही पानी, पानी की चपेट में है पूरी तरह से। बाढ़ में कार की डूबने से उसमें बैठी एक महिला की मौत हो गई, साथ ही बाढ़ की चपेट में आने से एक हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तो अल नीनो का ये पूरा कहर है, जिसने कहीं किसी की जान ले ली तो कहीं लोगों के लिए आफत बन गई, अपने घर तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल का सबब हो रहा है।